और बैग में आपको एक लड़की चाहिए, उसके बाद और लाइफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली। आज मैं आया हूं फेरर हॉल। जिस गोरे ने ये बिल्डिंग बनाई है उसने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बिल्डिंग का इस्तेमाल 2019 में सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए होगा। हालांकि इस बिल्डिंग के अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहां हजारों की तादाद में किताब मौजूद है, लेकिन आप जब इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द नजर डालें तो सिर्फ आपको यहाँ टिकटॉक बनाने वाले नजर आते हैं। आज मैं उनसे सवाल करूंगा कि आखिर टिकटॉक बनाते क्यों है, क्या इससे फायदा भी होता है कोई, क्या इनकी कोई इनकम होती है या सिर्फ ऐसे ही अपने स्टॉक पूरा करने के लिए टिकटॉक बनाते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। There's a party in your head, I can see it. Your eyes, they tell me everything. And even if you don't wanna believe me, the truth is just too clear to see. You're fighting with the devil on your shoulder, shoulder, shoulder. यहाँ कुछ लड़के जो वीडियोस बना रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का क्या नाम है? उमेर। नबील। हबीब। मोहम्मद समीर। आप लोग यहाँ पे क्या बना रहे हो? टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं। टिकटॉक वीडियोस बना रहे हो, अच्छा। तो मतलब यानी इसका यार कुछ फ़ायदा होता है? हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताओ कि क्या फ़ायदा होता है इसका। फ़ायदा तो कुछ नहीं है, कुछ फ़न के लिए होता है। कुछ पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है लोगों के सामने है, लोग बाहर मुल्कों के टैलेंट को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान का टैलेंट इस तरह बाहर आता है कि पाकिस्तान में भी कुछ है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे जो है जो टिकटॉक सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, जो कि टिकटॉक यूज़ करते करते अब बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, बहुत सारे जो है लोग ऐसे भी, लेकिन उनकी कुछ इनकम है या नहीं है? इनकम का कुछ पता नहीं है, लेकिन वो स्टार्स जो है उनको बड़े बड़े फंक्शंस वगैरह में बुलाया जाता है। बुलाया जाता है। तो तुम लोग रहते कहाँ हो? लाइजेरिया। लाइजेरिया। सबके सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही जगह। सही, ठीक। और तुम्हारे मतलब यानी तुम सब कितने, तीनों के फॉलोवर्स जो है वो 1000 के करीब है। तुम्हारे कितने फॉलोवर है? 1000। तीनों का एक ही ग्रुप, आईडी एक ही, इन तीनों की मेरी अलग आईडी। तुम्हारे 1000 है? नहीं नहीं, मेरा 400 है। 400 स्टार्टिंग की है? हां स्टार्टिंग है। अच्छा, कितना टाइम लगा तुम लोगों को 1000 फॉलोवर तक पहुंचने के लिए? आई थिंक 5 महीने। 5 महीने तुम्हें लग गए? तो इसमें तुम्हारी कितनी वीडियोस हैं जो टिकटॉक में अभी तक दे चुके हो तुम लोग? 350 दी हैं। 350 के करीब जी। यार बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत का काम है ये तो जी। लेकिन उसका कोई मतलब पैसों की सूरत में कोई रिटर्न नहीं है? लेकिन नहीं नहीं नहीं, बस मोबाइल की बात होती है कि मोबाइल अच्छा हो तो फिर वीडियो भी अच्छी बनेगी। अब इसके लिए तो आपको आईफोन चाहिए। आईफोन चाहिए? 7 प्लस से ऊपर। अच्छा, उसमें स्लो मो का ऑप्शन होता है ना, आईफोन के अलावा और किसी का बेस्ट है नहीं। टिकटॉक में सबसे ज्यादा स्लो मोशन जो है वो ज्यादा पसंद किया जाता है। और बैग में आपको एक लड़की चाहिए, उसके ज्यादा और लाइक मिले। लड़की तो यार है नहीं तुम लोगों के पास? तो यही तो हम बंद रहे थे, फन के लिए आते हैं हम, टाइम पास। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, तभी तो लाइक्स और फॉलोअर्स कम है। मतलब यानी अगर किसी वीडियो में लड़की को डाल दिया जाए या किसी टिकटॉक में लड़की को डाल दिया जाए तो फिर उसके फॉलोअर्स जो है बहुत ज्यादा मतलब यानी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं आपके? जी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। भाई जी, जो टिकटॉक ऐप बना था ये तफरी हस्ती मजाक और फन के लिए बना था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको बेशर्मी का बायस भी बना दिया, गलत वीडियोस भी काफ़ी इसमें बन चुकी हैं। अच्छा यार एक बात बताओ कि मैंने सुना है जिस तरह से लोग सोशल मीडिया यूज़ करते जा रहे हैं तो उनके अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? एक चीज़ का गलत फ़ायदा उठाओगे तो मायूसी बढ़ेगी ना, क्योंकि अब एक चीज़ बना रहे हो, टी शर्ट जीन्स लड़की के साथ, ये बेहया का है ना, फैमिली देखती है आपके, घर वाले देखते हैं, फैमिली देखती है, और वायरल हो रही है ना ये, इंटरनेशनल पे जा रही है। ये थोड़ी है कि आप खाली आप ही देख रहे हो और आपके फ्रेंड देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में फैल रही है और वायरल हो रही है ये। सही, तो मतलब यानी अगर टिकटॉक लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो है मायूसी फैल रही है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उनको ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी सेलिब्रिटी की जो लाइफ होती है उस तरह की वो अपनी सोच रखते हैं और फिर वो चीज़ें उनको नहीं मिलती तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसा ही कुछ है? जी जी, यही चीज़ है ना। अब क्या नाम है, अब आईफोन चाहिए इसके लिए। अब कोई होता है जिसकी हैसियत नहीं होती, कोई होता है ले सकता है, अब इसका अब घर में लड़ा नहीं, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे टिकटॉक बनानी है, मुझे जीन्स चाहिए, मुझे पैंट टी शर्ट चाहिए,
शलवार कमीज में नहीं बनाऊंगी, ये गलत फायदा उठा रहे लोग इस चीज का। अच्छा ये भी बात काफी हद तक ठीक है कि जिस टिकटॉक में जो लड़कियां नहीं होती उन लड़कों के फॉलोवर्स वगैरह बहुत कम होते हैं। ये तो है टिकटॉक में, अब हमें हमारा फॉलोवर्स कम है, हमारी वायरल नहीं होते, हमारी लाइक्स नहीं होती, क्योंकि हमारे पास लड़की नहीं है पीछे बैकग्राउंड पे, हम खाली दोस्त ही आ रहे हैं। लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के लड़के और लड़कियां बहुत ज्यादा टाइम जाया कर रहे हैं चीजों में, तो उनको बता दो कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हम पढ़ते हुए हैं, जॉब भी करते हैं, उसके साथ ये काम कर रहे हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि सब फारिग हैं। मैं सुबह अपना प्रेस की जॉब भी करता हूँ, अखबार सप्लाई करता हूँ और क्या इसका नाम है, उसके बाद फिर थोड़ा कॉलेज वगैरह चले जाते हैं अपना, शाम के अंदर अपने क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तकरीबन 4 घंटे हम क्रिकेट खेलते हैं, 3 से 4 घंटे, उसके बाद शाम हो जाती है, शाम में कहीं कोचिंग चले जाते हैं या फिर कंप्यूटर क्लास में चले जाते हैं, दोस्तों यारों में बैठ जाते हैं, ऐसी रात हो जाती है, और नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं, जिंदगी के नमाज वगैरह ना पढ़ते हो। लेकिन टिकटॉक बनाने के लिए जब कभी कोई दिन फारिग दिखता है, दोस्तों यारों के साथ प्रोग्राम बन जाता है तो चले जाते, ये नहीं कि सारा टाइम ही इस पर लगाएं। तो लोग कर रहे हैं टिकटॉक में जो एक्टिंग कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो एक्टिंग करना चाह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से वो फेमस हो जाएं और टीवी चैनल वाले या टीवी ड्रामों में फिल्मों में उनको काम मिलने लगे। जी जी बिल्कुल, इस वजह से वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, मेहनत तो मांगती है टिकटॉक, लेकिन फिर वो जब फूटते हैं नसीब आपके तो फिर आप फेमस भी होते हैं। नसीब फूटते हैं। जी पासिम ये बताओ कि फेरर हॉल ही क्यों? फेरर हॉल में क्योंकि अच्छी वीडियो बनती हैं, अच्छी वीडियोस बनती है, लोकेशन अच्छी है, लोकेशन अच्छी आती है। अच्छा ये बताओ कि टिकटॉक के लिए आए हो या फोटोशूट के लिए? टिकटॉक के लिए भी, फोटोशूट के लिए भी। अच्छा तो ये टिकटॉक के जो बनाते हो इसका फ़ायदा क्या है? इसी शौक है अपना अपना, तो इस पर कोई आपको इनकम नहीं होती? नहीं नहीं कुछ नहीं होता। मैंने ये सुना है कि इस पर कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं? नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितने फॉलोवर्स हैं तुम्हारे? मेरे 1500 हैं। और कितना टाइम हो गया वीडियोज़ बनाते हुए? काफ़ी टाइम हो गया। वीडियोज़ कितनी हैं? वीडियो 200 के करीब हैं। 200 के करीब। अच्छा ये जो फेरर हॉल है इसके बारे में कुछ बताओ कि क्या है इस बिल्डिंग के अंदर? ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। और ये जो आर्ट गैलरी भी है यहाँ पे कोई? जी सही। तो ये टिकटॉक बनाने का, ये भी मैंने सुना है कि जितने लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव होते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ जो है वो एक तो जहनी परेशानी का भी शिकार होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में मायूसी बढ़ रही है लोगों में, इसकी क्या वजह है? इसकी तो कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि मतलब टिकटॉक लड़के बना रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब यानी मायूसी है, उनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा मायूसी है, मतलब यानी वो इतना सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं उसके बावजूद भी खुशी नहीं है? चाह रहे हैं सब अपनी अपनी ना एक्सप्रेशन दिखाना चाहते हैं, ट्रेंड दिखाना चाहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है क्योंकि कैमरा हर किसी के पास है। जी 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 ये वजह। जी अच्छा ये बताओ कि जो लड़के तुमको इस देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे कि टिकटॉक बनाने के लिए क्या अपनी बाकी सारी काम छोड़ने पड़ेंगे, तालीम, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ लिख नहीं रहे, सब इसी तरह आ गए कि वीडियो से पैसे तो मिल रहे हैं तो हमें पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा, बहुत से लोगों की सोच ऐसी भी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनको क्या मैसेज दोगे तुम? नहीं पढ़ना भी चाहिए और टिकटॉक वीडियो बनाना चाहिए फारिग टाइम के अंदर। तो मतलब तुम लोग फारिग टाइम पे सारे काम करते हो ना अपने? जी ऐसा तो नहीं कि सारे काम छोड़ के काम पूरे करते हैं, पढ़ने वढ़ने सब जगह जाते हैं, पढ़ने लिखने के बाद जो टाइम बचता है उस टाइम फारिग टाइम में तफरी के लिए इसलिए बनाते हैं वीडियो। जी तो अभी जो लोग टिकटॉक बनाना चाह रहे हैं फ्यूचर में, जो चाह रहे हैं कि टिकटॉक वीडियोज़ बनाए इस तरफ आए, तो उनको क्या मैसेज दोगे तुम? उनको चाहिए कि बनाएं अच्छी और ट्रेंड वगैरह डालें, अपने अपने ट्रेंड दिखाएं लोगों को। उनको ये भी बता दो, वो सोचते हैं कि इससे पैसे मिलते हैं, तो बता दो पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलते? पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलते, सब अपना शौक ट्रेंड वगैरह दिखाते हैं।